नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि आरबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले एक गाइडलाइंस जारी की है कि आप लोगों को जो है 3 महीने के लिए ईएमआई को डिफर किया जाता है। लेकिन समस्या ये आ रही है कि ज़्यादातर लोगों को वो प्रोसेस नहीं पता है कि उसके लिए कहाँ अप्लाई करना है या कैसे अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में हम हर बैंक के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, बैंक बाई बैंक। तो चलिए मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ और एक एक करके सभी बैंकों को बताता हूँ कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना। अगर आपका कोई होम लोन या पर्सनल लोन जो है इंडिया बुल्स के साथ चल रहा है या इंडिया बुल्स धनी के साथ चल रहा है, तो आपके लिए जो है इंडिया बुल्स धनी ने एक सिंपल प्रोसेस जारी किया है जिसमें कि आप अपनी जो है अकाउंट नंबर और अमाउंट की डिटेल और आप किन 3 महीनों के लिए उसे जो है आगे डिफर कराना चाहते हैं वो आप उन्हें सिंपल एक मेल है, आईडी है उनकी, उस पर मेल कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। उस मेल आईडी को मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। वो सिंपल मेल आईडी है और उसमें मेल कैसे करनी है इसका भी एक सैम्पल मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। आप सिंपल उसको जो है फिलअप करके आप मेल कर दीजिएगा। उधर से आपको हो सकता है कि ऑटो जनरेट एक मेल आईडी मिल जाए आपको कंफर्मेशन के लिए। और हाँ, आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि ये जो मेल आईडी आप करेंगे, ये मेल आईडी पे मेल करेंगे, वो मेल आपके अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी के साथ होनी चाहिए जो है। तो ये वीडियो जो है इंडिया बुल्स के लिए कारगर है। आप जितने भी इंडिया बुल्स के जो है लोन धारक हैं वो सब आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो आप इस पे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंडिया बुल्स के लोन धारक हैं। या आपका अगर किसी और बैंक के साथ कोई लोन है तो आप मेरे चैनल्स पे और वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर बैंक के बारे में ये डिटेल से बताया है कैसे आपको अपना जो लोन डिफरमेंट का जो बेनिफिट दिया है आरबीआई ने, वो आप उसका कैसे जो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।